वजीर रेलवे शेख रशीद की सरबराही में रेलवे हेडक्वार्टर में इजलास। इजलास में सेक्रेटरी रेलवे की वफाकी वजीर शेख रशीद को ब्रीफिंग। तफसीलात जान लेते हैं राना फहद से। राना फहद, बताइएगा वजीर रेलवे के क्या तासुरात हैं, कुछ कहा गया उनकी जानिब से? रेलवे शेख रशीद अहमद का जो है वो रेलवे का कलमदान संभालने के बाद आज लाहौर का पहला दौरा था। इन्होंने जो है वो रेलवे हेडक्वार्टर में एक अहम इजलास में शिरकत की और इसकी सदारत की। इस मौके पर सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड मोहम्मद जावेद अनवर बुबक और चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे मोहम्मद आफ्ताब अकबर भी जो है वो मौजूद थे। उनकी जानब से वजीर रेलवे को ब्रीफिंग दी गई। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना था कि आराम हराम है, अब ये हमारा नया स्लोगन होगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ सुकून से नहीं बैठूंगा, ना किसी को आराम करने दूंगा और ना ही खुद आराम करूंगा। मेरा टारगेट है आमदन बढ़ाना और खसारा कम करना। अफसरान जो है वो इस मामले में तावन करें, रेलवे अपने अखराजात घटाए और सारा जोर जो है वो आमदन बढ़ाने पर लगाए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और फ्रंट और फ्रेट ट्रेनों पर जो है मेरा खास फोकस होगा। रेलवे के खोल से बाहर निकल कर देखें, प्राइवेट सेक्टर को मुतवजा करें, इनके लिए जो है वो साजगार माहौल बनाया जाए। जबकि उनका कहना था कि रेलवे की कीमती राजियों पर जो है वो कमर्शियल प्लाजे बनाने की जरूरत है, रेल प्लाजा से आमदन बढ़ेगी। जबकि स्टेशनों के करीब गंदगी जो है उन्होंने कहा कि बिल्कुल खत्म की जाए, इस हवाले से फौरी तौर पर एक टास्क फोर्स बनाई जाए। उनका यह भी कहना था कि 10 साल बाद जो है वो रेलवे में कदम रखा है, बहुत से मसाइल वहीं खड़े हैं जहाँ पर जो है वो छोड़ के गया था। जबकि उन्होंने जो है हिदायत जारी की कि रेलवे के तमाम अस्पतालों को प्राइवेटाइज किया जाए, लेकिन मजदूरों को जो है वो इस हवाले से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि रेलवे के मामलात को जो है वो बेहतर तौर पर हल किया जाएगा। ट्रेनों की आमदोरफ्त में जो है वो जो ताखीर होती है उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें बेहतरी लाई जाएगी, जबकि मुसाफरों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दी जाएंगी। उनका कहना था 10 साल के बाद जो है वो मैंने दोबारा रेलवे वजारत रेलवे का कलमदान संभाला है और इस मौके पर जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पहले मैं छोड़ के गया था वैसी की वैसी है। रेलवे का खसारा जो है वो 37 अरब तक पहुंच चुका है और इस खसारे को कम करना हमारा जो है वो मकसद है और इसके लिए रेलवे जो है वो अपनी अराजी पर मुख्तलिफ किस्म के प्लाजे बनाएगा जिस पर जो है खसारा कम से कम किया जाएगा। जी रेलवे के तमाम तर मामलात को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। शुक्रिया राना फहद आपका।